अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स मेंटेन करना है। इंडेक्स में क्या होगा, हमारे पास नल सेट एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी डी, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नल सेट की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 और उनके पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, नल सेट क्या चीज होती है। अब हमारे पास क्या होता है, नल सेट कह लो आप, एम्प्टी सेट कह लो या फिर वॉइड सेट कह लो, तीनों एक ही चीज है। यानी कि किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, नल सेट ही पूछा जा रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमारे पास है अ सेट विद नो एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट। अब आप लोगों को पता है सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट सारे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सेट्स। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखे तो ये मेरे पास है 1, 2, 3, ये मेरे पास क्या है, सेट है, सही है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब वो कह रहे हैं ऐसा सेट जिसमें नो एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट ना हो, ना यानी कि ये कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस कार्ड नल सेट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, सही है। इस तरीके से आएगा और इसको आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज है। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं है। पर मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, खाली सेट, यानी कि जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो। अब अगर इसमें जीरो आ जाए तो क्या ये नल सेट होगा या नहीं, ये हमारे पास नल सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भले ही जीरो की कोई वैल्यू नहीं आती, पर अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास एक एलिमेंट कहलाएगा, तो इसका मतलब एलिमेंट आ गया। और नल सेट की डेफिनेशन क्या है, जिसमें नो एलिमेंट, यानी कि एक भी एलिमेंट ना हो। पर अगर हम इसको देखेंगे तो एक एलिमेंट होगा, तो इसलिए ये हमारे पास नल सेट ना हो, नहीं होगा। नल सेट सिर्फ कब होगा, जब बिल्कुल ही सेट खाली हो, वो हमारे पास नल सेट कहलाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से जो है सेट्स, कौन सा सेट्स आर नल सेट, नल सेट यानी कि खाली सेट। इसके चार पार्ट से अब हम इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे वो कह रहा है x आई जे x इज अ लेटर, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x एक जो है लेटर है, बिफोर a, a से पहले वाला लेटर है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी कि जो हमारे पास अल्फाबेट होती है a b c d, इस तरीके की ये जो अल्फाबेट होती है उसमें वो कह रहा है x जो है ना वो a से पहले वाली वैल्यू है। अब आप लोग बताएं अल्फाबेट में ए से पहले कोई अल्फाबेट आता है, नहीं, अल्फाबेट जो है हमारे पास स्टार्ट ही ऐसे होती है, तो इसका मतलब इसमें कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास, नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नल सेट लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो इसका नल सेट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारे पास, नल सेट। अब इसके बाद जो है ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं थर्ड वाला करवा देता हूँ, उसके अलावा फोर्थ भी जो है आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब वो थर्ड में क्या कह रहा है, x such that x is less than 7, यानी कि x की क्या वैल्यू है, 7 से छोटी है, 7 से छोटी x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0, 1, 2, 3, मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है 7 से छोटी वैल्यू होती है, लेस देन 7, यानी कि ये सारी वैल्यूज क्या है, लेस देन किससे, 7 से, एंड ग्रेटर देन 8, और 8 से बड़ी, यानी कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू आएगी जो कि 7 से बड़ी हो, और वही वैल्यू 8 से, 7 से छोटी हो, और वही वैल्यू जो 8 से बड़ी हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब हमारे पास ये सब नंबर है, ये सब जो 7 से छोटे तो हो सकते, पर क्या 8 से बड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब अगर हम 8 से बड़े वाले नंबर देखते हैं, जैसे कि 9, 10, 11, 12, इस तरीके के नंबर देखेंगे, ये सब जो 8 से बड़े हैं, पर फिर यानी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि 7 से छोटे, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि हमारे पास जो है 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, हमारे पास नल सेट आ जाएगा, ठीक है। मैंने रफली करवाया, आप बिल्कुल जो तरीका हमने ये अप्लाई किया, इसी तरीके से आपके बाकी के सारे सवाल करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हमने आज के लेक्चर में देख लिया नल सेट की डेफिनेशन, देख लिया उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।